पलट जाएंगे आज कहने के बाद पलट जाएंगे। आप पूछिए सुशील मोदी जी कहाँ है। अरे भाई आप सुशील मोदी जी कौन से बिल में छुपे हुए हैं? कल की क्या सुशील मोदी जी ने एक बात कहा था रांची में, एक बात कही एक निजी चैनल के फोरम पे कि एनआरसी बिहार में नहीं लागू होगा, उनके अध्यक्ष जो है कहते हैं पूरे देश में लागू होगा। सुशील मोदी जी कौन से बिल में घुसे बताइए। ये देखिए नीतीश कुमार जी का ड्रामा है और जितना रोना रुदालू जो लोग होते ना रुदालू जी, रुदालू मतलब कि राजा महाराजा के घर में जब कोई लोग मर जाता था तो भाड़े पे महिलाएं को बुलाया जाता था रोने के लिए, तो वही काम पहले रुदालू लोग से करवाए नीतीश जी, अब खुद रुदालू के भूमिका में आ गए हैं, रो रहे हैं। अरे अभी तो बहुत रोएंगे, अभी तो धीरे धीरे देखिएगा चीख चीख करके रोएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे ऐसा नहीं करेंगे। अरे अब तो तीर जो है कमान से निकल गया, जब आपको स्टैंड लेना था, जब आपको देश के प्रति देश के संविधान के प्रति गंगा जमुना के प्रति जब आपको स्टैंड लेना था तो आप आरएसएस के गोद में अपना बैठ करके कुर्सी बचाने का काम कर रहे थे। यह कुर्सी की राजनीति अब ज्यादा नहीं चलेगी, जनता पहचान गई है इनको मुंह तोड़ जवाब। हम लोग शांति प्रिय ढंग से सुबह से ही बिहार बंद रहेगा और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, गांधी जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हिंसा के अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, हिंसा को हम लोग नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। आप देखिएगा बीजेपी शासित राज्यों में जहां भी आंदोलन हुआ वहां पुलिस के लोगों ने बर्बरता करने का काम किया, घर में घुस करके गोली मार रहे हैं, हॉस्टल में घुस करके छात्रों को पीटने का काम कर रहे हैं। तो हम चेता देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी आपके लोगों से, अगर एक डंडे हमारे कार्यकर्ताओं पे जो गंगा जमुना तहजीब जो संविधान को मानने वाले लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अगर शांति से अगर हम लोग बिहार बंद कर रहे हैं तो आप अगर कुछ भी गड़बड़ करवाइएगा पुलिस का डंडा उंडा चलवाइएगा तो अंजाम बुरा होगा। आप पुलिस प्रशासन से पूछिए या पुलिस किसी एक दो व्यक्ति का ऑर्डर सुनेगा या जो संविधान को मानने का काम करेगा। प्रोटेस्ट करने का हम सब लोगों का अधिकार है, उसलिए प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। पुलिस से पूछिए जब संविधान नहीं रहेगा तो कानून का क्या रह जाएगा भाई, कानून तभी रहेगा जब संविधान रहेगा। और हम पुलिस के भाई नौजवान सब हमारे लोग हैं, आप बताइए पुलिस में भी कई लोगों को प्रमाण देना पड़ेगा, जो आर्मी में लोग हैं उनको भी शायद प्रमाण देना पड़ेगा कि वो भारत के लोग हैं कि नहीं है। आप बताइए मुसलमान के ने ही नहीं, ये आदिवासी पिछड़े दलित जो हिंदू भाई हैं ये उनके लिए भी लागू है ये कानून। अब आपके घर में जाके पूछेगा कि प्रमाण लाइए आप हैं कि नहीं है, आप अपने बाप दादा का प्रमाण दोगे कि वो भारत के हैं कि नहीं है। आप बता जो बाढ़ में जिसका घर डूब गया वो कहाँ से कागज लाके दिखाएगा, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, जिसका घर जल गया वो कहाँ से कागज लाएगा, ये तो सोचना पड़ेगा। और देखिए एक बात समझिए, दो कानून है, क्या कानून है, एक कानून जो है सीए कहता है कि शरणार्थी जितने हैं वो देश में उनको शरण दिया जाएगा, केवल मुसलमान भाइयों को छोड़ के हिंदू सिख ईसाई जैन, और वो भी तीन देश, कौन कौन सा देश, बांग्लादेश आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मतलब ये सरकार ने बताया कि कौन से राज्य में उनको रखा जाएगा, हमारा बेरोजगार ऐसे ही पूरे नौजवान है, वहाँ से जो करोड़ों लोग आएंगे उनको क्या सरकार रोजगार देगी, कहाँ रुकवाएगी, और उनके पास तो कागज नहीं होगा तो सरकार भारत के लोग कागज बनवाएंगे। और एनआरसी जो कानून है यानी अपने ही देश के लोगों को अगर कागज ना मिले तो बेदखल कर देंगे, यानी अंदर जो देश के लोग हैं उनके लिए आप कागज नहीं बनवाइएगा, आप उनको बाहर भेज दीजिएगा, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश आएंगे उनके लिए आप कागज बनवाओगे, उनको देश में रखोगे, ये दो कानून है, ये समझना पड़ेगा लोगों को। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, ये सारे 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं ये उनकी बात है, ये बेइज्जत जो करने का काम कर रहे हैं, जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं। हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, हम लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कानून और देश को तोड़ने वाला कानून, चाहे फांसी पे चढ़ना पड़े जेल जाना पड़े हम लोग तैयार हैं, लेकिन अपने संविधान को और देश को बचाने का काम।